अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन अर्निंग टिप्स बाय MHK। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और आप लोगों ने मेरी पिछली वीडियो से भी भरपूर फ़ायदा उठाया होगा। दोस्तों, हर वीडियो की तरह ये वीडियो भी बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है, क्योंकि ये वीडियो मैं उन टीचर्स के लिए लेके आई हूँ जो ऑनलाइन टीचिंग करके अर्निंग करना चाहते हैं। दोस्तों, वैसे तो आप लोगों को ऐसी बहुत सारी वेबसाइट्स मिल जाती होंगी, लेकिन वहाँ पे कोई गारंटी नहीं होती कि आपको स्टूडेंट्स मिलेंगे या आपको उनकी पेमेंट भी मिलेगी या नहीं। दोस्तों, जो वेबसाइट आज मैं लेके आई हूँ वो 100% ट्रस्ट वैलिड है। ये वीडियो बहुत अमेजिंग होने वाली है, तो वीडियो को स्टार्ट से लेकर एंड तक देखिएगा। तो वक्त ज़ाया किए बगैर चलते हैं स्क्रीन की तरफ। दोस्तों, सबसे पहले आप लोगों ने गूगल स्क्रीन पे आ जाना है और यहाँ पर सर्च बार में आप लोगों ने टाइप करना है preplay.com। तो आप देखेंगे कि हमारे पास इस तरह की एक वेबसाइट ओपन होकर आ जाती है। इसे हम स्क्रॉल डाउन करके देखते हैं कि यहाँ पर देखिए कितने सारे ट्यूटर्स हैं। इंग्लिश ट्यूटर्स, स्पेनिश, फ्रेंच, जर्मन, इटालियन, चाइनीज, इसके साथ अरेबिक, जापानीज, बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं जो यहाँ पर सिखाई जाती हैं या सब्जेक्ट्स हैं उनके। इसके बाद नीचे आप लोग देखते जाएं, यहाँ पर उसने हमें बताया है कि ये काम कैसे करता है। यहाँ पे आपको पर आवर के हिसाब से पेमेंट दी जाती है और आप लोग अपनी पेमेंट भी खुद अपने हिसाब से फिक्स कर सकते हैं। कम से कम $5 होते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा आपकी स्किल्स कितनी अच्छी हैं वो उस चीज़ पे डिपेंड करता है। देखें, BKMR ट्यूटर, अगर आप लोग ट्यूटर बनना चाहते हैं तो यहाँ से भी आप लोग अपनी प्रोफाइल बना सकते हैं। यहाँ पे आप लोगों ने करना क्या होता है, अपनी प्रोफाइल बनानी होती है, उनको सेंड करनी होती है और विद इन 5 वर्किंग डेज के अंदर आपको रिस्पॉन्स आता है। स्टार्ट लर्निंग, अगर आप लोग यहाँ पे लर्न करना चाहते हैं एज अ स्टूडेंट तो वो भी आप लोग यहाँ से कर सकते हैं। उसके बाद आप लोग नीचे आके फुटबार पे देखें तो देखें हमारे पास है बीकम एन ऑनलाइन ट्यूटर, इंग्लिश ट्यूटर, फ्रेंच ट्यूटर, स्पेनिश या कुछ भी। हम लोग अगर यहाँ पे करें ऑनलाइन ट्यूटर पे तो देखें हमारे पास यहाँ पर ये एक बार ओपन होके आ गई है। यहाँ पे हम लोगों ने मेल अपनी देनी है, मैंने अपनी ईमेल दे दी, पासवर्ड देते हैं। उसके बाद आप लोगों ने साइन अप कर देना है। साइन अप करने के बाद हमारे पास इस तरह से कुछ रिक्वायरमेंट्स आती हैं जो कि हमारी प्रोफाइल पे बाद में विजिबल होंगी। अब यहाँ पे आप लोगों का फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और इसी तरीके से बाकी इंफॉर्मेशन है। फर्स्ट नेम दे देते हैं, लास्ट नेम, उसके बाद कंट्री, पाकिस्तान लिख देती हूं मैं यहां पे। आप लोगों की स्पोकन लैंग्वेज कौन सी है, इंग्लिश। उसके बाद चूज अ लेवल, आप लोग लेवल भी चूज कर सकते हैं। मेरी कुछ ज्यादा अच्छी नहीं है तो मैं A2 कर देती हूँ। उसके बाद आप लोग अदर लैंग्वेज भी कर सकते हैं, यहाँ पे ऐड, उसमें मैं लिखूंगी उर्दू। क्या हो गया है, उर्दू आ गई, यहाँ पे उर्दू आ गई है। उसका लेवल भी आप लोगों ने डिसाइड करना है, A1 लेवल है। उसके बाद आप लोगों ने सब्जेक्ट कौन सा पढ़ाना है, यहाँ पर मैं कंप्यूटर साइंस। उसके बाद आप लोगों ने अपना एक्सपीरियंस, आप लोगों के पास एक्सपीरियंस है तो आप लोग लिख सकते हैं, मेरे पास है तो मैंने लिख दिया। यहाँ पे भी कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं, आई हैव एन अदर नॉन टीचिंग सब्जेक्ट, आई एम स्टूडेंट, आई हैव एन अदर टीचिंग जॉब, ओके। उसके बाद आप लोगों ने यहाँ पे अपना नंबर टाइप करना है,
इसके बाद नीचे आते हैं, अपनी एज बतानी है आप लोगों ने कि आप लोग 18 से अबव है। नेक्स्ट कर देंगे हम यहाँ पे लेवल A2 क्या कह रहा है, यू मस्ट बी एबल टू स्पोक अ प्लेटफॉर्म लैंग्वेज एट ओके विल सी कि एक्सेप्ट करता है या नहीं। ओके अगले लेवल पे आ जाते हैं, यहाँ पे हमने क्या करना है। नेक्स्ट लेवल में वो हमें कहता है कि आप लोगों ने यहाँ पे अपनी पिक अपलोड करनी है, मेक श्योर कि आपकी पिक प्रोफेशनल हो। जैसे यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि बिल्कुल प्रोफेशनल है, उनका बैकग्राउंड भी बिल्कुल सिंपल है, आप लोगों ने कोई ऐसी वैसी पिक्चर नहीं लगानी कि ऐसा कि आप लोगों ने बिल्कुल प्रोफेशनल लगानी है ताकि पता चले कि आप लोग पढ़ाने आए हैं। यहाँ से अपलोड कर देनी है पिक, तो मैं ये उठा लेती हूँ, ये रैंडमली मैंने ऐसे कोई भी पिक उठा लिया, ठीक है। जूम भी कर सकते हैं इसको, आप लोग सेट भी कर सकते हैं अपनी मर्जी से, जैसा भी करना चाहें, बट अगेन कह रही हूँ मेक श्योर कि आपकी पिक्चर प्रोफेशनल लगनी चाहिए। नेक्स्ट कर देंगे हम, अब 3 पे आ जाए हमारे पास, वो क्या कहता है, डू यू हैव द टीचिंग सर्टिफिकेट, आपके पास कोई टीचिंग का सर्टिफिकेट है या नहीं है। आपके पास कोई टीचिंग सर्टिफिकेट नहीं है तो कि पास के स्कूल से जाके सर्टिफिकेट बनवा लें, नहीं तो यहाँ पे नीचे ऑप्शन दिया हुआ है आई डोंट हैव एन सर्टिफिकेट, यहाँ पे भी आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आप लोगों ने नेक्स्ट करके आगे जाना है, आगे हमारे पास जो स्टेप है इसमें हम लोगों ने एजुकेशन के बारे में बताना है। एजुकेशन वाली फील्ड्स में आप लोगों ने अपनी एजुकेशन के बारे में बता देना है, जैसे ये यूनिवर्सिटी है, आपने मास्टर किया हुआ है या बैचलर है या जो भी आपकी है, आपने यहाँ पे अपनी एजुकेशन से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन दे देनी है। उसके बाद मैंने आई डोंट हैव पे कर दिया क्योंकि मैं सारी फील्ड्स नहीं फिल कर रही। उसके बाद मैंने नेक्स्ट कर दिया है। उसके बाद देखिए हमारे पास क्या आ गया है, डिस्क्रिप्शन, हम लोगों ने डिस्क्रिप्शन लिखनी है यहाँ पे। इनमें डिफरेंट ब्लॉक्स बने हुए हैं और हमने इसमें डिफरेंट इन्फॉर्मेशन देनी है, जैसे ये पहले ब्लॉक में बताया हुआ है इंट्रोड्यूस योर सेल्फ एंड शेयर ब्रीफली अबाउट योर इंटरेस्ट, कि आप इसमें अपने बारे में बताएं और या जो आपके इंटरेस्ट है उसके बारे में बताएं, ठीक है। सेकेंड ब्लॉक में देखिए हमें कहता है कि डिस्क्राइब योर टीचिंग एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट एंड मेथोडोलॉजी, कि आपका एक्सपीरियंस क्या है या जो भी। उसके बाद है मोटिवेट स्टूडेंट्स टू बुक एंड ट्रेल लेसन्स विद यू, कि आप स्टूडेंट्स को कैसे मोटिवेट करेंगे या अपनी तरफ कैसे अट्रैक्ट कर सकते हैं। इसमें हमने 400 करेक्टर्स लेके आने मिनिमम, ठीक है। इतना बड़ा पैराग्राफ हमारे पास होना चाहिए कि 400 करेक्टर्स हों, इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं लेकिन मिनिमम 400 होने चाहिए। और यहाँ पे आप लोगों ने ऊपर टाइटल भी देना है, आई एम अ कंप्यूटर टीचर जैसे मैंने लिखा है, तो आप लोगों ने यहाँ पे टाइटल भी देना है। उसके बाद देखिए यहाँ पे मैंने सारी फिल कर दी हैं। उसके बाद ये करेंगे हम नेक्स्ट। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है, आगे है हमारे पास वीडियो। इस वीडियो में हम लोगों ने एक ऐसी वीडियो अपलोड करनी होती है जिसमें हम लोगों ने अपना इंट्रोडक्शन देना होता है। वो 4 से 5 मिनट की वीडियो होनी चाहिए। इसमें आप लोग अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाएंगे, अपना एक्सपीरियंस बताएंगे, अपनी क्वालिफिकेशन बताएंगे, उसके बाद आप लोग कहाँ से बिलोंग करते हैं। 4 से 5 मिनट की होनी चाहिए। यहाँ पे 2 ऑप्शंस होते हैं, या तो आप वीडियो अपलोड कर सकते हैं या आप लोग एट द स्पॉट कैमरा ऑन करके इसको एट द स्पॉट भी वीडियो शूट कर सकते हैं। आई डोंट नो कि मेरा यहाँ पे क्यों इशू आ रहा है, शायद नेट प्रॉब्लम है या जो भी, लेकिन ये मेरा नहीं हो रहा। लेकिन आगे अवेलेबिलिटी है, मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि ये क्या होता है। इसमें ये है कि आप किस टाइम अवेलेबल होते हैं, इसमें आप अपना टाइम शेड्यूल बनाते हैं, मंडे को आप किस टाइम अवेलेबल होंगे, ट्यूसडे को, वेनसडे को, अप टू सो ऑन। इस तरीके से आपने अपना टाइम शेड्यूल बनाना है कि आप किस टाइम अवेलेबल होंगे और आप किस टाइम टीचिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आ जाता है प्राइसिंग। यहाँ पर आपने अपना प्राइस डिसाइड करना होता है कि आप पर और क्या चार्ज करेंगे। आई डोंट नो कनेक्शन प्रॉब्लम क्यों आ रहा है, वरना मैं आपको कंप्लीट करके दिखाती, लेकिन ये बहुत इजी स्टेप्स हैं, जब आप इनको करने बैठेंगे तो आपको खुद ब खुद ही समझ आती जाएगी। यहाँ पे मैंने आप लोगों को खुद ही आपको पहले ही कहा था कि आप लोगों ने अपना प्राइस अपनी मर्जी से डिसाइड करना होता है, तो आप लोगों ने दूसरों की निस्बत ना तो ज़्यादा करना है ना ही बहुत ज़्यादा कम करना है, ठीक है। दूसरों से थोड़ा सा कम कर लें ताकि आपके पास स्टूडेंट्स आएँ और ट्रैफिक हो। उसके बाद लास्ट वाला हमारे पास डिस्काउंट है। डिस्काउंट में आप कोई डिस्काउंट देना चाहते हैं या आप कितना मार्जिन उनको देंगे कि आप कितना डिस्काउंट दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल
ये सारी फील्ड्स आप लोगों ने फिल करने के बाद सबमिट कर देना होता है, और इसके बाद आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो जाती है, और विद इन 5 डेज, वर्किंग 5 डेज, आप लोगों को वापस रिप्लाई आता है, रिस्पॉन्स मिलता है। ये जेन्युइन वेबसाइट है, यहाँ पर बहुत सारे लोग टीचिंग कर रहे हैं। यहाँ पर आप देखें, अगर हम इंग्लिश ट्यूटर्स पर क्लिक करें तो हमारे पास जितने भी इंग्लिश ट्यूटर्स हैं वो सब की लिस्ट आ जाती है, उनकी प्रोफाइल्स आ जाती हैं, जो कि अब्रॉड से भी हैं और डिफरेंट कंट्रीज से बिलोंग करते हैं ये सब। यहाँ पे देखें, हमारे पास एक प्रोफाइल है केविन डब्ल्यू, इन्होंने अभी ज्वाइन किया है, न्यूली ज्वाइंड है, और $20 का ये काम कर चुके हैं, डॉलर्स का काम कर चुके हैं, और ये इनका एक्सपीरियंस 14 ईयर्स का है। इसी तरीके से आप लोगों की भी एक प्रोफाइल बनेगी कंप्लीट। आप लोग पूरी वेबसाइट को विजिट करने के बाद आप लोग अपनी प्रोफाइल बनाएं और यहां से ऑनलाइन टीचिंग करके आप लोग अर्निंग कर सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूं कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच।